सरकार हर एक से पूछताछ की, हर मोड़, हर गली, हर चौराहे पे मैंने पूछा, लेकिन सरकार के बारे में कुछ ना पता चला। हाँ, बस इतना पता चला कि वो बिना गार्ड, बिना सुरक्षा के अकेले गए। अम्मा, ना मैंने मोबाइल कंपनी वालों से भी बात कर ली। अम्मा, मैंने कहा सरकार के सिम कार्ड की लोकेशन का तो पता करो, पर वो कह रहे कि सरकार अगर फोन भी साथ लेके गए तो उसने सिम कार्ड ही ना डाला। अम्मा, तो पता ही ना कर पा रहे सरकार लुट गए। अरे तो जमीन खा दी क्या, आसमान निकल गया। तुम सब अपने बाप को ढूंढो। अम्मा अम्मी चलते, तुम सब जाओ अपने बाप को ढूंढो। मैं जाती हूँ, चल माता भाई तुम्हारे साथ चल। आज तक सरकार हमारे को बिन बताए कभी ना गए। अब वापस आ जाओ। अच्छा, इतनी रात हो गई। अम्मा कट। हां इधर राइट। हां ये अभी राइट। क्या होगा? अच्छा, ये लास्ट ना तो इतनी रात हो गई, सरकार का कुछ पता ना सके। मां मैंने सब जगह पूछ लिया, सबसे पूछताछ कर ली। हाँ, लेकिन सरकार को कोई अता पता।
मैंने हर गली हर मोड़ हर चौराहे पे पूछा है, लेकिन किसी ने कुछ ना दिया। हाँ बस इतना पता चला है कि वो बिना सिक्योरिटी के बिना गार्ड्स के अकेले गए। दो ट्रॉली का लोकेट पिछले कुछ पता ना चला। रोलिंग रोलिंग एक्शन। हाँ बस इतना पता चला है कि वो बिना गार्ड बिना सुरक्षा के अकेले चले गए। कट। मक्खी बैठ गई। अम्मा मैंने मोबाइल कंपनी वाले से बात की, मैंने कहा सरकार की सिम कार्ड की लोकेशन बता दो। अब बोलते हैं सरकार अगर फोन साथ में लेके गए तो सरकार बता नहीं रहा, तो पता ही ना चल पा रहा सरकार पिछले रिएक्शन है। रोल रोलिंग एक्शन। पता ही ना चल पा रहा सरकार के लिए। अरे तब जमीन खा गई क्या, आसमान निकल गया उनको। कौन निकल गया उनको, कित चले गए। रह जाओ बेरहमपुर के सारे गार्ड को ढूंढवाने में लगाओ, दौड़ा दो सबने, उनका मिलना बहुत जरूरी से। न जाने कौन सी विपत्ति में गिरे है वो, ढूंढो उन्हें ढूंढो। सरकार का पता तो एक ही आदमी जानता है, वो है रंगीला। नहीं बेटा ऐसा नहीं, ढूंढो उन्हें ढूंढो। सरकार का पता तो एक ही आदमी जानता है। हवेली में आकर सरकार की सरकार ने जान संभाल दी, सारा काम उसे अगर रंगीला ने थारी दुश्मनी सरकार से निकाली है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भी जाती हूँ उसके घर, उसका गला दबा के सरकार के बारे में उगड़वाती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। कट। रोलिंग एक्शन। कट नहीं। क्या कर रहा है दुश्मन, कर रहा है यार, मैं निकलना है। एक्शन। कट नहीं। क्यों सोलो। कट। अभी आया हूँ। शर्ट वैसे भी लग गया है, ये हंसा भी अभी जैसे कुत्ता। अम्मा रुक जा, हमारे को केवल सरकार ही आदेश दे सकते हैं और कोई ना। अम्मा घर साथ चलते ना। ये तुम लोग जाके ढूंढो सरकार को। ए माला रोल। आज गुलगुले जी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है, इस बात के लिए मेरे सरकार घूम गए हैं और मेरे बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो बस गुस्सा हो रही हूँ, कहीं से भी ढूंढ के ना हो। लेकिन अचानक ऐसे क्या हो गया कि चौधरी जी इतने ऐसे कि अब मिल ही नहीं पा रहे, तुम किसी को भी जितने जगह के बाद। चौधरी जी कुछ दिनों से भीतर ही भीतर बहुत परेशान चल रहे थे, ये मुझे पता लग रहा था। और मुझे बस ये लग रहा है कि आखिर गए तो गए कहाँ, गायब कहाँ। मेरे को घबराहट हो रही कि भगवान न करे कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ में। तो वो रेस्टलेसनेस है और बच्चों को चिल्ला रही हूँ ढूंढो, पूरी फोर्स लगा दो उनको ढूंढने में। तो ये भी ढूंढ के आया। मैं तो पूरा हर गली हर चौराहे पे ढूंढा है, मैं तो अपनी फैमिली के लिए हमेशा सपोर्ट करता हूँ, पर कहीं मिली नहीं। लेट्स सी अभी कहाँ मिलते हैं। अपनी अपनी तरफ से तो सब कोशिश करेंगे। पर एक और चीज़ है, माँ ये पूछना चाहते हो, आप चौधरी ही बनने के लिए खुश हैं कि नाराज है कि चौधरी नहीं रहे तो भी मेरे हाथ में सत्ता नहीं। देखो मेरा बेटा मेरी क्लास ले रहा है। आर यू हैप्पी। सरकार अगर नहीं है और उनके
बिना पर मुझे अगर बनना पड़े तो ये अलग बात है, लेकिन सरकार के नहीं 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 सरकार के बिना तो कभी बुलबुली खुश ना होती, कभी नहीं। बहुत लॉयल है, बहुत जेन्युइन है, औरतें हमेशा लॉयल और जेन्युइन होती हैं बिना किसी कारण। हाँ, पैदाइशी कोई गलत नहीं होता ना नेगेटिव होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ। जब भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, हालात सिचुएशंस और चीज़ें उसको नेगेटिव बनाती। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि औरतें कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी नहीं है। ये अपने पति से बहुत प्यार करती है और हो सकता है कि अपने बच्चों को ठीक करने के लिए या उनको कुछ लगा था, उनकी बात क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के जब वो थे यहाँ पर उनको लग रहा था कि वो शायद उनके साथ कुछ घटना घटने वाली, तो वो कह के गए थे कि मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, उसके बाद तो मेरी गद्दी संभालेगी। तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा और ये उनका आदेश है और मुझे उनका आदेश मानना है। लेकिन घूमने के बाद कहीं ना कहीं रंजीना पे आ गई है कि इल्ज़ाम इनडायरेक्टली उन पर लगाया जा रहा है चौधरी जी के घूमने के पीछे, शायद उनका हाथ है। हमें रंगीला की बहुत बैंड हो जाइए, रंगीला की मारी है वो हमारी बैंड हो जाएगा। तो हाँ, अभी भी डर तो लग रहा है क्योंकि वो पता लगा है कि वो उनका बेटा है, तो हो भी सकता है सरकार ने अगर उसकी माँ को सम्मान ना दिया हो तो वो बदला ले सकता है। ओके, लास्टली जब गद्दा गुलगुली के हाथ में आएगा तब गुलगुली कैसे पेश आएंगे? गुलगुली तो गुलगुली देखिए, सत्ता जब आती ना, चाहे वो कमज़ोर हो, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान, सत्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत दे जाती है। और मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है, मेरे लिए चैलेंज की बात यह है कि बेरहमपुर जहाँ पे मर्दों की सत्ता रही है, जहाँ पे मर्दों औरतों को पैर की जूठी समझा जाता है, वहाँ पर एक औरत की सत्ता को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा और कैसे रिएक्ट किया जाएगा, तो फॉर मी इज ये ज़्यादा चैलेंज की बात है। एंड आई एम हैप्पी कि एक औरत को सत्ता मिली। थैंक यू।